अस्सलामु अलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर वो कैंडिडेट जो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का इंट्रेंस 2024 में देने वाले हैं, या बीफार्म का इंट्रेंस 2024 में देने वाले हैं, या डिप्लोमा जीएनएम एएनएम एमआरटी कोर्सेज में 2024 में एडमिशन करने वाले हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन 2024 में करने वाले हैं, यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में समझाऊंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहां पे क्या कुछ खुशखबरी आप लोगों के लिए यहां पे है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिशन प्रोसेस है प्रोफेशनल कोर्सेज की, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीफार्म हो, चाहे वो बीटेक हो, या चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हमारे हो, वो काफी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरीज। यहां पे एडमिशन की प्रोसेस कैसे होती है, यहां पे जो कॉलेजेस में सीट्स फिलअप होती है प्रोफेशनल या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो कॉलेज वाले खुद से सीट्स फिलअप नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देना पड़ता है, या कुछ कोर्सेज में विदाउट एंट्रेंस भी एडमिशन होता है। लेकिन एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो कॉलेज वाले खुद से नहीं कर सकते हैं, वो एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो जेके बोपी वाले खुद से सीट्स का कॉलेज वालों को फिलअप करते हैं, चाहे वो फिर एंट्रेंस कंडक्ट करें या विदाउट एंट्रेंस दे दें। लेकिन इन शॉर्ट वर्ड जो है, वो कॉलेज वालों को खुद से एडमिशन करने का एक्सेस नहीं होता। अब देखिए, इससे तो एक साइड एक बेनिफिट ही होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन सबसे इसमें दूसरे साइड अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा लॉस होता है। हमारा लॉस कैसे होता है, जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका पूरा खर्चा जो है वो स्टूडेंट्स के एडमिशन से ही चलता है। अब जब काउंसलिंग जेके बोपी करती है, चाहे वो किसी भी कोर्स की होती है, वो हार्डली एक या दो राउंड काउंसलिंग के कर पाते हैं। उसमें वो प्राइवेट कॉलेज, खासकर अगर हम जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें 10% 15% सीट्स ही हार्डली फिलअप होती हैं। कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में 30-40% फिलअप हो जाती हैं, बाकी की जो सीट्स रहती हैं वो ऐसे ही वैकेंट रहती हैं। अब उससे क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब उनके पास एडमिशन ही नहीं हो पाए तो वो अपना खर्चा है या स्टाफ की सैलरी है या मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो उसको मैनेज करना उनको भी काफी मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट में भी जो सीट्स वैकेंट रहती हैं वो तो ऐसे ही जाया होते हैं। तो अब चलो गवर्नमेंट में ये फायदा है कि जो स्टाफ है वहां पे उनको उससे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले जो हमारे हैं उनको बहुत बड़ा उससे इंपैक्ट पड़ता है। इस पर मैंने आज से एक डेढ़ साल पहले एक डिटेल वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने जो बातें बोली थी सेम एज इट इज वही यहां पर आज हुआ। अब दूसरे साइड से इसमें स्टूडेंट्स का कहां से नुकसान होता है, स्टूडेंट्स का नुकसान ऐसे होता है कि जो कैंडिडेट जो है वो फॉर्म वगैरह भरते हैं, अब बाय चांस किसी कैंडिडेट का जहाँ भी स्कोर कम आ जाता है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद भी उसको सीट नहीं मिलती है, उसके बाद जब जेके बोपी एक या दो राउंड काउंसलिंग के करती है, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती नहीं है, कॉलेज वाले खुद से एडमिशन दे नहीं पाते हैं, अब स्टूडेंट्स को फिर बाहर चंडीगढ़, पंजाब या दिल्ली जाकर एडमिशन करना पड़ता है, या एक एक दो दो साल ड्रॉप भी लेना पड़ता है, फिर दोबारा से उसके लिए पढ़ लो, फिर दोबारा से एंट्रेंस दे दो, फिर भी नहीं हो पाए, फिर से ड्रॉप कर लो। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फिर बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाएंगे तो बहुत सारा मसला वहां पे होता है, काफी परेशानियां भी स्टूडेंट्स को आती है। तो उसको देखते हुए यहां पे 2019 से इसके हवाले से बात चल रही थी कि कॉलेज वालों को खुद से एडमिशन का एक्सेस मिलना चाहिए। तो कल यहां पे फाइनली उसका एक्सेस मिल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यहां पे कल इसको जो है वो अप्रूव किया और कॉलेज वालों को एक्सेस दे दिया कि आप लोग खुद से भी सीट्स फिलअप कर सकते हो। अब खुद से वो कैसे सीटें फिलअप करेंगे, सीटें वो ऐसे फिलअप करेंगे, पहले जेके बोपी काउंसलिंग करेंगे, जिस तरह से प्रोसीजर चलता है सेम एज इट इज वही प्रोसीजर चलेगा। जेके बोपी एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, जेके वो भी मेरिट के बेस पे काउंसलिंग करेगी, एंट्रेंस देने के बाद काउंसलिंग करेगी, या मेरिट के बेस पे भी अगर वो किसी कोर्स के लिए एडमिशन करते हैं उसके लिए पहले वो जो है आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस करेगा। और जितने राउंड जेके बोपी काउंसलिंग के कर सकती है, चाहे वो एक राउंड करें चाहे वो दो राउंड करें काउंसलिंग के, वो अपने काउंसलिंग के राउंड कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो सीट्स बची हुई होंगी, जैसे हर साल होता काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर सीट्स बची रहती हैं वो ऐसे वैकेंट रहती हैं, अब वो सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगी। अब इन्होंने कॉलेज वालों को एक्सेस दिया है कि जब जेके बोपी काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, जितने भी राउंड जेके बोपी काउंसलिंग की कर पाती है, चाहे दो राउंड करे, एक राउंड करे, तीन राउंड करे, उसके बाद जो सीट्स आपके पास बचेंगी वो सीट्स वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, वो सीट्स जाया नहीं होनी चाहिए। उसमें कॉलेज वालों को खुद से एक्सेस दिया है कि कॉलेज वाले उन सीट्स को खुद से फिलअप करेंगे, फिर कॉलेज वालों को अपनी मर्जी है वो 12th के मार्क्स के बेस पे वो सीट्स फिलअप करें, या जो इन कैंडिडेट ने ऑलरेडी एंट्रेंस दिया है उसके बेस पे करें, या जिन कोर्सेज की मार्क्स के बेस पे ही काउंसलिंग होती है तो वो उसी के बेस पे यहां पे आप लोगों का एडमिशन करेंगे। अब यहां पे आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी, अब जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो अब जाया नहीं होंगी, और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर कम भी आ जाएगा उन कैंडिडेट्स को भी यहां पे सीट मिलेगी, प्राइवेट में ही ना सही लेकिन सीट मिलेगी, सीट ही जाया नहीं होंगी, प्राइवेट कॉलेज वाले खुद से भी एडमिशन यहां पे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और गवर्नमेंट में भी जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले खुद से भी फिलअप करेंगे, लेकिन पहले जो सीट्स फिलअप करेगी
वो जेके वो भी फिलअप करेगी, चाहे वो एक राउंड करें दो राउंड करें, उसके बाद जो सीट्स बचेंगी वो कॉलेज वाले खुद से भी फिलअप कर सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इस टॉपिक के बारे में जब वो 2019 से बात चल रही थी, और लास्ट ईयर मैंने आज से लगभग 1.5 साल पहले इस पर वीडियो डाला था, तो उसमें भी मैंने आपको समझा दिया था कि ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली एज इट इज़ जो मैंने उस टाइम बोला था एज इट इज़ वही हुआ था। मैंने भी उस टाइम बोला था कि जेके वो भी खुद से काउंसलिंग करे, उसके बाद फिर कॉलेजेस को एक्सेस दिया जाए, वो काउंसलिंग करके अपनी सीट्स फिलअप करेंगे। सेम एज इट इज़ वही हुआ। बहरहाल जो भी है, फाइनली उसको जो है अप्रूवल मिल गया। आप जो कैंडिडेट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एंट्रेंस की तैयारी एज इट इज कर लो, आप एंट्रेंस के थ्रू सीट ले लो, उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है, अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर कम आ जाता है, उस कंडीशन में वो यहाँ पे अपना जो है वो कॉलेज वालों से बात करके एडमिशन कर सकता है, या कॉलेज वाले खुद से उसकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और कॉलेज वाले खुद से उस वाली सीट से यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब देखिए कॉलेज को एक्सेस मिला, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर लोगे, आप सोचो कि चलो हम ऐसी मार्क्स के बेस पे वहाँ पे ले लेंगे। देखिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जेके वो भी पहले सीट्स फिलअप करेंगे, ठीक, पहले जो सीट्स होंगी वो जेके वो भी फिलअप करेंगे, फिर जो सीट्स बचेंगे वो कॉलेज वाले खुद से फिलअप करेंगे। अब देखिए दो राउंड काउंसलिंग अगर हुए तो गवर्नमेंट की सारी सीट्स जो वो फिलअप हो जाएंगी, काउंसलिंग में पहले ही गवर्नमेंट की सीट्स फिलअप हो जाएंगी, उसके बाद प्राइवेट की जो सीट्स बचेंगी वो कॉलेज वाले खुद से भी फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल अगर इसके हवाले से आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, एक बहुत बड़ा बेनिफिट इससे पूरे जम्मू कश्मीर को आ जाएगा, स्टूडेंट्स को भी आ जाएगा, कॉलेज वालों को भी आ जाएगा, सभी को इसमें बेनिफिट है। तो फाइनली जो प्रोसीजर था वो तो यहाँ पे आप फिलहाल पास हो गए, अप्रूवल हो गया। बाकी कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी अदर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ जाए वो भी मैं आपको बता